नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ हीलिंग कैसे करें, अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाए रखें, और अगर बीमारी हो जाए तो उससे रिकवरी कैसे करें। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत सारे डॉक्टरी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारी पैथीज अवेलेबल हैं। एलोपैथिक अपनी जगह पर है, होम्योपैथी अपनी जगह पर है, आयुर्वेदा अपनी जगह पर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पैथीज अवेलेबल हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग एनर्जी होती है। अस्तित्व ने जब हमारे शरीर को बनाया तो उसके साथ साथ हमारे अंदर एक हीलिंग ऊर्जा भी दी है। इस हीलिंग ऊर्जा को ही रेकी ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, प्राणिक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, और भी इसको करुणा रेकी या अलग अलग टाइप के हीलिंग करने वाले नाम दिए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपकी ही हीलिंग एनर्जी के बारे में है। हमारी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग एनर्जी होती है और आप इसको अच्छे से फील कर सकते हैं। आप जब दोनों हाथों को इस प्रकार से रब करके देखें, हमारी बॉडी में एक ये मैग्नेटिक पावर मौजूद है, और इस तरीके से आप ढीला सा करके अपने हाथों को कुछ दूरी पर इस तरह से रखें, 3-4 इंच की दूरी पर ऐसे रखें और थोड़ा थोड़ा आसपास में ऐसे वाइब्रेट करें, तो आपको महसूस होगा इन हाथों के अंदर एक सेंसेशन हो रही है। इन एक हाथों के अंदर पाम चक्र के बीच में कुछ सेंसेशन हो रही है। ये बेसिक हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर मौजूद है। ये जो एनर्जी है, एक तो हाथों का हीट होना है और एक सेंसेशन होना है। हीट होना तो आप ज्यादा रब करेंगे तो हीट तो हो जाएंगे, लेकिन रियल जो एनर्जी है वो ये सेंसेशन है। आपको जब भी कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो आप इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इस ऊर्जा को आप जिस भी अफेक्टेड पार्ट हो उस पर आप लगाएं। उदाहरण के लिए अगर हार्ट में कोई इशू है तो आप इसको अपने लेफ्ट साइड में इस तरह से आप लगा सकते हैं, और अपने आप को उस ऊर्जा को भीतर जाता हुआ और अपने हार्ट को हील करता हुआ महसूस करें। बेटर तो है कि आप प्रॉपर तरीके से रेकी सीख लें, और रेकी सीखना डिफिकल्ट नहीं है। अधिकतर लोग फर्स्ट लेवल रेकी तो फ्री में ही करवाते हैं, या मिनिमम पेमेंट में, बहुत थोड़ी सी पेमेंट में आपको रेकी फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट मिल जाती है। अट्यूनमेंट क्या होती है, आपके जो भी रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर होते हैं वो आपके क्राउन चक्रा से जो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है उस चैनल को खोल दिया जाता है, और फिर आप उस एनर्जी को, ये जो आपकी सेल्फ हीलिंग एनर्जी है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 10 times, 50 times, 100 times ये मल्टीप्लाई हो जाती है, और फिर आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये यूनिवर्सल एनर्जी आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद फिर आप बीमारियों को रिकवर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से रिकवर हो पाएंगे। तो आपके पास रेकी एनर्जी है या नहीं है तो भी आप हीलिंग तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बजाय किसी भी प्रॉब्लम के आने पर आप जो चिंता करते हैं, जो हमारे मन में एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, इसके आगे कोई बड़ी गंभीर बीमारी ना बन जाए, या इस टाइप के जो विचार आने शुरू हो जाते हैं, उस पर चिंता करने की बजाय आप चिंतन करना शुरू करें और इस एनर्जी से उसको हील करना शुरू करें, जहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब आप उसको चिंता वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उदाहरण के लिए हार्ट में मान लीजिए आपको हल्का सा पेन शुरू हुआ, तो आपका मन सोचना शुरू कर देता है कि हाय कोई भयंकर बीमारी ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि आजकल बीमारियों का पता नहीं चलता। नॉर्मली हम नेगेटिव थिंकिंग से इतनी ज्यादा ग्रस्त हैं कि हम उस चीज को फील करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा बॉडी की जो सेल्स हैं वो बिहेव करना शुरू कर देती हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बजाय उसके कि हम ऐसी कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आए, आप अपनी पूरी हीलिंग एनर्जी को भीतर से इन्वोक करें। बस अपने अंदर ये जागृति लेकर आए, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके अंदर आपकी बॉडी को हील करने की जो ऊर्जा है वो पहले से मौजूद है। अस्तित्व ने आपको बीमारी देने से पहले उसके लिए हीलिंग एनर्जी दी है, और उस हीलिंग एनर्जी को आप इन्वोक करके इसी तरह से हाथों को रब करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हाथों से
ये हीलिंग एनर्जी प्रवाहित हो, और फिर आप जो भी जिस भी देवता पर, जिस भी परमात्मा के जिस रूप पर आपको विश्वास है, उसी रूप से आप आवाहन करें, क्योंकि विश्वास यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस ऊर्जा का आवाहन करें कि मेरे हाथों में वो ऊर्जा प्रवाहित हो जिससे मैं खुद की हीलिंग कर सकूं, और फिर आप हाथों को इस तरह से रब करें और जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर आप लगाएं। आप थोड़ी देर में फील करेंगे कि आपके हाथ ना जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम हुई है वहां एनर्जी सक होगी, वहां पर जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको गले में प्रॉब्लम हुई है और मैं अपने हाथों को इस तरह से रब करके हाथ के आपके गले के आसपास ऐसे लगाऊं तो हाथ भीतर की ओर खींचेंगे, जिस भी जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसकी तरफ आप एनर्जी देने की कोशिश करें तो आपको महसूस होगा कि आपके हाथों से कुछ एनर्जी जा रही है। इसका उपयोग आप सेल्फ हीलिंग के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ऑफकोर्स इससे आप औरों की हीलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन तब उसके लिए आप सीखना बहुत जरूरी है, रेकी सेकेंड लेवल आना जरूरी है। सेल्फ हीलिंग के लिए तो आप अपनी खुद की एनर्जी का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बजाय आप चिंता करें आप सेल्फ की हीलिंग करें और साथ साथ पॉजिटिव अफर्मेशन भी दें। अफर्मेशन कैसे देने हैं? आपने बोलना है कि जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम हुई है अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को इन्वोक करें, उस जगह पर लगाएं और कहें कि नेचर की सारी ऊर्जा, प्रकृति की सारी ऊर्जा मेरे इस पार्ट को हील कर रही है, महसूस करें कि वो पार्ट हील हो रहा है। उस जगह पर जो नेगेटिविटी आई हुई थी, उदाहरण के लिए अगर मैं फील करूं कि अगर हार्ट चक्र में, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं फील कर रहा हूं कि वहां पर एक ब्लैक सा कुछ हो रहा है, कुछ ब्लैकिश एनर्जी वहां पर है, या फील कर पाएंगे कुछ ब्लॉकेज अगर है भी सही तो उसके लिए आप फील करें कि एक नेचुरल कुदरत की तरफ से एक प्राकृतिक वाइट लाइट भीतर प्रवेश कर रही है और उस जगह को हील कर रही है। इसके लिए मैं प्रॉपर मेडिटेशन भी बनाकर अभी डालने वाला हूं ताकि आप इसका उपयोग कर सकें, अपनी बॉडी की हीलिंग एनर्जी को इस तरह से सदुपयोग में ला सकें और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों इतनी सी ही ये बात थी जो मैं आपको इसमें बताना चाहता था। आप इस ऊर्जा का उपयोग करें, अपने डिफरेंट पार्ट्स की एनर्जी को और बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी जो होती है, बॉडी की जो इम्यूनिटी मैकेनिज्म होता है उसको आप बढ़ाएं। तो उसके लिए ही रेकी का उपयोग होता है कि बॉडी के सारे 24 पॉइंट्स हैं, एनर्जी के सेंटर हैं हमारी बॉडी में, उसको हील किया जाता है और वहां एनर्जी बढ़ने के बाद फिर आपको पुरानी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है और आगे के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी रख सकते हैं। तो आगे से चिंता करने के बजाय चिंतन पर विश्वास रखें, नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव थॉट्स दें, अफर्मेशन दें, उस पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस करके इस ऊर्जा को वहां पर डायरेक्ट करें। अगर आपके पास हीलिंग रेकी नहीं भी है तो भी ये आपके लिए काम करेगा, और रेकी हो तो बेहतरीन ढंग से काम करेगा, फिर तो कहना ही क्या। तो मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको अगर इसके बारे में और कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।